गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लेसन नंबर 22 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझा सीखा, अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को या यूटिलाइज कर सकें। सबसे पहले हम इस टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्य जो फ्यूचर में किसी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कंप्लीट हो चुके होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। इसके बाद में हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इस टेंस में बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार अगर आई एंड वी यूज हो रहा है तो आई एंड वी के साथ शैल हैव और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज करते हैं, जैसा कि सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब हम जो सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारी बुक में दे रखा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सरसाइज को भरना है, बट इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं तो आरबीएससी के पैटर्न में ऐसा स्पेशल लाइन उसके लिए नहीं लिखी होती है, सो हमें आइडेंटिफाई करके सेंटेंस को फिलअप करना होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई यूज हो रहा है और हमने पढ़ा कि आई और वी के साथ सेल हैव यूज होता है, आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल हैव, आई एंड वी उनके साथ हमेशा हम सेल हैव का प्रयोग करते हैं, सो आई के साथ यहाँ हम सेल हैव भर देंगे, सेल आई के साथ सेल हैव और गिवन वर्ब जो फिनिश है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड, एफ आई एन आई एस एस ई डी, ये अपने थर्ड फॉर्म में आ गई। तो यहाँ हमने जो ब्रैकेट में जो फिलअप किया वो ये है, I shall have finished this book by tomorrow evening. By tomorrow evening, future perfect tense की विशेष पहचान कराता है। तो हमने इस sentence में जैसा कि I subject के रूप में use हो रहा है, अतः हमने I के साथ shall have, I के साथ shall have और verb की third form use की है। तो सेंटेंस हो गया आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओ। नेक्स्ट सेंटेंस में बाय द टाइम शुरुआत में दे रखा है, और इस प्रकार का सेंटेंस के बिगिनिंग में या सेंटेंस के प्रारंभ में दिया हुआ होता है तो यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि बाय द टाइम अगर सेंटेंस के शुरुआत में या सेंटेंस के अंत में लिखा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होता है। बाय द टाइम वी रीच द पार्टी एवरीथिंग के बाद में ब्लैंक स्पेस और बी वर्ब दे रखी है, सो हम एवरीथिंग के साथ आई आर वी अगर होता तो सेल है, एवरीथिंग के साथ विल है, एवरीथिंग के साथ विल है, will have और be के थर्ड फॉर्म been, तो सेंटेंस में will have been भर देंगे, सेंटेंस में will have been से सेंटेंस पूरा हो जाएगा। By the time we reach the party, everything will have been eaten। इस प्रकार से दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें हम everything
सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, अतः एवरीथिंग के साथ विल हैव का प्रयोग हुआ है, और ऊपर वाले में आए था तो आए के साथ शैल हैव का प्रयोग हुआ था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बीइंग हम यूज कर रहे हैं। तो आए और बी अगर हो तो शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और अदर अदर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस पढ़े, सेंटेंस में कॉन्सेप्ट पढ़ी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस से हम फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों को भर रहे हैं तो उनमें आवश्यक रूप से हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी होती है, जैसा कि हम यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में फिनिश की फिनिश्ड भर रहे हैं और बी की बीन भर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, फिर हम और नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। Next sentence, the train given verb is leave. Before we reach the station, the train के साथ helping verb will have और leave की third form left, second form भी left है, leave left या left भर लें। ट्रेन विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। इस प्रकार या मुख्य रूप से ये ध्यान रखना होता है कि आई एंड वी के साथ जो सब्जेक्ट रहते हैं उनमें विल हैव का ही प्रयोग करना होता है। द ट्रेन के साथ विल हैव यूज हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हम यूज कर दिए। Train, the train will have left before we reach the station. इसके बाद में next sentence, by the end of the year, 5,000 people, blank space, given verb see this exhibition. तो यहाँ हम will have का प्रयोग करेंगे इसमें भी, क्योंकि I और V के अलावा जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उनके साथ will have का प्रयोग होगा। जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में विल हैव लेफ्ट आई है, उसी प्रकार से नीचे वाले वाक्य में भी पहले हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। विल हैव, इसके बाद में सी की थर्ड फॉर्म सीन, सीन विल हैव सीन, सी की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो हमारा सेंटेंस है उस प्रकार से बना है, बाय द एंड ऑफ द ईयर 5,000 पीपल will have seen this exhibition. By the end, जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, कभी कभार ये सेंटेंस के लास्ट में भी रहता है, ये हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही डिमांड करता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान होती है। तो जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू जो सेंटेंस सॉल्व किए उन सब में हम शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और अगले सेंटेंसेस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय दिस टाइम और ये बाय दिस टाइम जो सेंटेंस के शुरुआत में है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्सप्रेस करता है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई गिवन वर्ब इज फिनिश माय रिसर्च वर्क, तो आई के साथ सेल हैव गिवन वर्ब इज फिनिश और इसके थर्ड फॉर्म में फिनिश
my research work. By this time next year I shall have finished my research work. इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस ई, ई के साथ भी विल है, विल हैव रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ. इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमने दोनों सेंटेंस को भरा है. मुख्य बात जो हमें कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हैं वो ये है कि इनमें सभी सेंटेंसेस जो फ्यूचर परफेक्ट के संभावित वाक्य होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें. हम जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं ये एक्सरसाइज हमारी आरबीएससी की इंग्लिश बुक फर्स्ट जो क्लास टेंथ की गोल्डन रेज नाम से है उसके पेज नंबर 42 पे दी हुई है. पेज नंबर 42 आप उसे और आसानी से वहां से देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो देखते हुए अच्छे से लर्न कर सकते हैं. अब जो बातें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ी समझी, सेंटेंसेस में लागू करके हमने सेंटेंसेस बनाए, और एक बार इसका यूज कहाँ कहाँ होता है तथा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रक्चर के, उन्हें एक बार से हम अच्छी तरीके से रिकॉल कर लेते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्टिविटी एंड स्टेट विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एज ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ. She will have planted a tree by tomorrow. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका हो. जैसे ही विल हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट मंथ, या सेंटेंस के अंत में बाय नेक्स्ट मंथ आ रहा है. ही विल हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट मंथ. इसके अलावा इस टेंस का प्रयोग टाइम को दिखाने वाले क्लॉजेज, समय सूचक क्लॉजेज के साथ भी हो
होता है। जो क्लोज समय बताता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जैसे व्हेन यू कम बैक आई शैल हैव बॉट द बुक, जब तुम वापस आओगे तो मैं पुस्तक खरीद चुका होगा। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है इन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सामान्य नियमानुसार बनाते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस में हम कई बार इजीली फ्यूचर परफेक्ट को पहचान सकते हैं, जैसे अगली सेंटेंस में प्रारंभ में या अंत में बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ के साथ टाइम दिया हुआ हो तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। जैसे दे विल हैव फिनिश देयर वर्क बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। वी शैल हैव मेट दिस बिल्डिंग बाय द एंड ऑफ मार्च। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से ही बनने वाले सेंटेंसेस है, अर्थात हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के द्वारा ही ऐसे सेंटेंस पूर्ण करते हैं। तो टेंसेस की सीरीज में हमने वीडियो नंबर 23 तक जो हम अभी पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और टेंस के रूप में एक नेक्स्ट टेंस जो रहा है वो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंस की सीरीज को अच्छे से समझने के लिए इससे पहले जो लेसन रिकॉर्ड हो चुके उन्हें अच्छी तरीके से बाय सीक्वेंस पढ़े समझे, ताकि टेंसेस की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट में जो हमने नेगेटिव सेंटेंस जो बनाए, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने जो समझा ये था कि हेल्पिंग वर्ब टुकड़े में बढ़ जाती है, अर्थात सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, और विल या शैल के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में हैव, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे सी will not have written the letter before Hari comes, will के बाद में not का प्रयोग और not के बाद में have का प्रयोग, have के बाद में verb की third form use होती है। तो mainly हमें negative sentence में ध्यान रखना होता है कि कर्ता जैसा use हो रहा है उसके अनुसार will या shall का प्रयोग कर लें, और उसके बाद में not का प्रयोग और उसके बाद में have, अर्थात shall not have या will not have का सीक्वेंस चलता है। इसके अलावा जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं उनमें भी हेल्पिंग वर्ब टुकड़े में बढ़ जाती है, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सामान्यतः हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही सब्जेक्ट से पहले आएगी, हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा। जैसे विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज 7, हमने ऐसा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब कॉन्सेप्ट को पढ़ा था उस समय ये बनाया भी था। तो मुख्यतया हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस किस प्रकार से यूज करना है। नेगेटिव जब भी आएगा तो नेगेटिव में शैल नॉट है, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव,
ये सीक्वेंस यूज होगा। और इंटरोगेटिव में आएगा तो सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से इंटरोगेटिव में देखते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेल हैव या विल हैव टुकड़े में बट जाती है, सेल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करते हैं। बाकी सभी प्रकार के सब्जेक्ट अर्थात सभी प्रकार के जो सेंटेंसेस है उनमें हम आवश्यक रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंसेस जो हमने अभी एक्सरसाइज सॉल्व की ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें, बुक में जो दी हुई है पेज नंबर 42 पे एक बार अच्छे से इसको और समझ लें, देख लें। बाकी की टेंस की सीरीज हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।